आ गए। अच्छा हुआ समय रहते आ गए आप लोग दोस्तों, क्योंकि आज की कहानी में जो आप देखेंगे वो आपने ना सुना होगा ना देखा होगा दोस्तों। इतनी विचित्र कहानी है आज की, नहीं समझे तो चलिए देखिए ये कहानी, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तभी तो समझोगे ना। महामंत्री जी, शुक्र है हमारे अन्न भंडार भरे हुए हैं, वरना इस सूखे में हमारी जनता का क्या हाल होता। महाराज सहायता कीजिए। रतन नगर के प्रधानमंत्री सोमदत्त, आप कहिए कैसे आना हुआ। महाराज हमें आपकी सहायता चाहिए, हमारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा है और हमारे अन्न भंडार भी खत्म हो गए हैं। लेकिन आपके राज्य में तो 3-3 नदियां हैं, 6 बड़े तालाब हैं। हाँ, लेकिन इस वर्ष वर्षा ना होने से हमारे जल भंडार पूरी तरह सूख चुके हैं। आखिर हो क्या रहा है, हम और हमारे पड़ोसी राज्य सभी इंद्रदेव को हमेशा प्रसन्न रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर भी ऐसा प्रकोप क्यों? महाराज इसका उत्तर तो इंद्रदेव ही दे सकते हैं। तो ठीक है महामंत्री जी, आप सभी राज्यों के लिए अन्न भंडार खुलवा दीजिए, तब तक हम इंद्रदेव से ही इस पहेली का उत्तर पूछ कर आते हैं। इंद्रलोक में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आपके पास ही आने वाली थी महाराज विक्रम। ऐसी क्या बात है देवी रंभा? 2 महीने हो गए इंद्रलोक से इंद्रदेव गायब हैं। क्या इंद्रदेव इंद्रलोक से गायब है, लेकिन कहाँ? यही तो समझ नहीं आ रहा है, 3 लोकों में उन्हें ढूंढ लिया लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। महाराज इंद्रदेव के गायब होने और वर्षा के ना होने में अवश्य ही कोई कड़ी है। हमें इंद्रदेव को कैसे भी ढूंढना होगा मुंजा। रे अंगूठी रे अंगूठी, ये तो बताना कहाँ है इंद्रदेव और राज क्या है, ये सब जरा हमको दिखाना। ये तो वही तांत्रिक है जिसने इंद्रदेव को प्रसन्न किया था अपनी तपस्या से। यानी ये तांत्रिक इंद्रदेव का साधक है और इंद्रदेव के गायब होने में अवश्य इसका ही हाथ है। तब तो इंद्रदेव का पता हमें ये तांत्रिक ही बताएंगे। मुंजा हमें इस गुफा में जाने के लिए इस राक्षस को मारना होगा। नहीं महाराज, ऐसा करने पर तांत्रिक सावधान हो जाएगा। अरे, आप तो अंदर हैं, फिर? अरे मूर्ख, हम मायावी हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम ठीक से पहरेदारी करते हो या नहीं। तो क्या मैं परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया? ये हम तुम्हें कल बताएंगे, अब तुम यहीं खड़े रहो और अंदर बिल्कुल मत आना। तुम्हें क्या लगा मैं कोई मूर्ख हूँ जो तुम्हें नहीं पहचानूंगा विक्रम? इसलिए ही मैंने ये राक्षस का स्वांग रचा था। अच्छा हुआ जो तूने ये लुका छिपी का खेल समाप्त कर दिया। अब जल्दी से बता दे कि कहाँ छिपा रखा है तूने इंद्रदेव को। ये मत भूल विक्रम कि तुम लोग मेरी मायावी गुफा में हो। जब इंद्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तू क्या करेगा?
जितना मन करे कर लो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग, लेकिन याद रखो मेरे सामने जब इंद्र की शक्ति नहीं चली तो तुम किस खेत की मूली हो। लगता है इसके पास कोई बहुत ही रहस्यमय शक्ति है, हमें इसका पता लगाना ही होगा। चलो मुझे ऐसी शक्ति है जो हमारी तलवार तक को निकल गई। महाराज, महाराज, इसकी शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये कहाँ आ गए हम? विक्रम, हम लोग तांत्रिक की जटाओं में हैं। इंद्रदेव, आप यहाँ? पर कैसे? उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरी साधना करके मुझसे वरदान मांगा कि मैं उसके माथे को एक बार छूकर उसे आशीर्वाद दूँ। मैंने जैसे ही उसे छुआ उसने मुझे अपनी जटाओं में कैद कर लिया। लेकिन ये कैसे संभव है? उसके पास एक सिद्ध मंत्र है जिसके प्रभाव से वो किसी को भी अपने जटाओं में कैद कर सकता है, और अब वो आज रात हम सभी की शक्ति को अपनी जटाओं की शक्ति से मिलाकर एक ऐसा मंत्र उच्चारण करेगा जिससे वो अमर हो जाएगा। ये तो बहुत ही भयानक होगा, इसे रोकने का कोई तो उपाय होगा? इसका एक ही उपाय है, किसी तरह इस तांत्रिक को आज रात इस मंत्र को जपने से रोका जाए, क्योंकि आज वो मुहूर्त है जो हजार वर्षों में सिर्फ एक बार आता है। मुंजा, चलो खेल शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे सर में? जैसे कोई कीड़ा मुझे काट रहा हो। मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। ये कौन मेरा सर चबा रहा है? अब क्या करूँ? इसे नहीं रोका तो मेरा सर फट जाएगा। क्यों आया ना मजाक तांत्रिक महाराज? मजा तो मैं तुझे अब सिखाऊंगा। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बचाओ, बचाओ, मुझे माफ कर दो। इस दुष्ट को इसके किए की सजा मिल गई। तुमने मेरी रक्षा की है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ विक्रम। ये मेरा कर्तव्य था इंद्रदेव, अब आप भी पृथ्वीवासियों को इस सूखे से मुक्ति दिलाइए। कहानी तो काफी रोमांचक थी, लेकिन बात सीधी सी है, मुश्किल से डर कर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बस यही मूल मंत्र है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले रोमांचकारी सफर में। दोस्तों, हम कभी कभी अनजाने में ही किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और फिर ये कहकर मुंह फेर लेते हैं कि हमने कौन सा जानबूझकर किया था। लेकिन असली समझदारी ये परखने में नहीं है कि किसकी गलती थी, असली समझदारी है उस नुकसान को ठीक करने में। नहीं समझे तो चलो देखते हैं, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। उसकी आवाज सुन लो तो अपनी आवाज कुल हो जाए, डर भी डर के भाग जाए।
हम सब भी भाग जाते हैं इससे पहले कि हो जाए बहुत देर। लेकिन वो है कौन? बब्बर शेर। महाराज, अगर जल्दी ही उस आदमखोर शेर को भगाया नहीं गया तो हम सबको गांव छोड़कर भागना होगा। किसी को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, हम उस खूंखार बब्बर शेर को पकड़ लेंगे। बस ये बता दो कि वो आखिरी बार कहाँ दिखा था? जंगल शुरू होने से पहले महाराज, जो आखिरी खेत है उसी के पास हरिया ने उसकी परछाई देखी थी। दिन में तो शायद वो वही रहता है, लेकिन अंधेरा होने पर वो गांव में भी घुस आता है। महाराज महाराज, हम सबकी जान तो अब आपके ही हाथ में है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसे बब्बर शेरों को पकड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कल सुबह हम उस शेर को भगा भगा कर मारेंगे। ये बताओ कि वो शेर आखिरी बार किस तरफ दिखाई दिया था? उस तरफ जो आखिरी खेत है वही। मुझे लगता है वो शेर जंगल में लौट गया है। उस तरफ से आवाजें आ रही हैं महाराज। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। ये इंसानों की भाषा जानता है। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। एक बार उसे बचा लिया तो वो ये रहस्य खुद ही खोल देगा। बार उस शेर को हम काबू में कर ले, फिर तुम्हें नीचे उतारेंगे और तुम्हारी कहानी भी सुनेंगे। इसे ले जाकर घने जंगल में छोड़ाओ, जहाँ से ये भटक कर बाहर ना आ पाए। और वो हिरन कहाँ गया? अभी लाया महाराज। मैं हिरन नहीं हूँ महाराज, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, राजकुमार विजय। लेकिन एक गलती का दंड भुगत रहा हूँ। हाँ? कैसी गलती? मैं एक बार भ्रमण के लिए निकला तो गलती से एक ऐसी गुफा में चला गया जहाँ एक ऋषि तप कर रहे थे। मुझे इस बात का पता नहीं था। मैंने जब वहाँ आग जलाई तो उस रोशनी से वो ऋषि तंग आ गए और उनकी तपस्या टूट गई। गुस्से में उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी जानवर बन के बिताऊं। लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा, और फिर तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। उपाय तो केवल उन्हीं ऋषि के पास है, वही इस श्राप को वापस ले सकते हैं, वो भी तब अगर कोई 32 गुनों वाला राजा मेरा साथ दे। लेकिन अब मैं भूल गया हूँ कि वो गुफा कहाँ है। मुझे सारी जिंदगी अब ऐसे ही रहना होगा। इस तरह हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूँगा। तो कहानी असल में अब शुरू होगी, और तुम्हारा आधा काम तो हो भी गया। कैसे? 32 गुणों वाला राजा तो स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा है, और रही बात उस गुफा को ढूंढने की तो वो भी हो जाएगा। परेशान है राजकुमार, बड़ी मुश्किल में है इसकी जान। जिस रास्ते पर मिलेगा उपाय उससे है ये अनजान। अब आप ही करो मार्गदर्शन ताकि महाराज बचा पाए एक और जीवन। इस जंगल के उस पार जहाँ है रोशनी लाचार, वहीं है ऊंची ऊंची चट्टानें जिसमें बनी है सैकड़ों गुफाएं। उसी चोटी पर है उसका घर, वो इस हरन के सब दुख ले हर। यही गुफा है वो महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। डरो मत विजय, भय पर काबू करोगे तभी जीत को हासिल कर पाओगे। और फिर सिर्फ एक साधु से ही तो बात करनी है,
किसी राक्षस से तो नहीं। महाराज आग्रह करेंगे तो वो जरूर तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो अब अंदर चलो। बच गए महाराज, वरना ये अभी हमारा कचुम्मर बना देता। मैं बात करके आता हूँ इससे। क्या बात है विशाल मानव, हमारा रास्ता क्यों रोके रखा है? मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। पर हमें मुनिवर से मिलना है, बहुत आवश्यक है। नहीं। पर सुनो तो। नहीं। क्या हुआ मुंजा? बहुत ही जिद्दी और अड़ियल दानव है, कोई बात ही नहीं सुनता, बस नहीं नहीं की रट लगा रखी है। अब बल से इसे काबू कर पाना मुश्किल होगा, तो अब बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मुंजा, तुम उसे उलझाए रखो, मैं और विजय तभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। चाल तो गलत पड़ गई, कुछ और सोचना पड़ेगा। मुंजा, यहाँ आओ। इस तरह से तो अंदर जा पाना मुश्किल है। एक काम करो मुंजा, तुम किसी तरह से इसे गुफा के अंदर ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ। अगर इस तब से
परेशानी होने लगे तो ये तप विफल हो जाएगा। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा।